और अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां घर में घुसकर डकैती डालने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े हुए आरोपियों से अवैध हथियार बरामद किए गए। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने 32 बोर की एक पिस्टल में 2 जिंदा राउंड, 315 बोर का एक देसी कट्टा में जिंदा राउंड, एक छुरी के साथ प्रयोग किए जाने वाला मोटरसाइकिल और 23 सोने की अंगूठियां, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जाती है, उसे बरामद की है। ग्वालियर पुलिस के द्वारा फरार आरोपियों एवं अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। 18 जुलाई को SP ग्वालियर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाशों को ग्वालियर के मेला ग्राउंड में झूला सेक्टर के पास अवैध हथियारों के साथ देखा गया है, जिसकी सूचना पर SP ग्वालियर के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश दंडौतिया को क्राइम ब्रांच एवं थाना गोला का मंदिर पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर मुखबिर की सूचना की तस्दीक करते हुए बदमाशों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए निर्देश दिए। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में पुलिस की टीम को कार्रवाई के लिए मुखबिर के बताए गए स्थान पर भेजा गया, जहां पुलिस की टीम को 3 संदिग्ध व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर सवार दिखे, जिन्होंने पुलिस की टीम को देखते ही भागने का प्रयास किया। पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ करने पर उन्होंने खुद को भिंड के रौन गांव का रहने वाला बताया। पुलिस के द्वारा पकड़े गए बदमाशों की तलाशी लेने पर उनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही वारदात में उपयोग किए जाने वाला मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस की टीम के द्वारा पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ थाना गोला का मंदिर में 25 और 27 आम एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पूछताछ में पकड़े गए बदमाशों ने रौन क्षेत्र में घर में डकैती की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि 5 जून को कट्टा अड़ाकर रौन निवासी एक व्यक्ति के घर में उन्होंने डकैती डाली थी, जहां से सोने की और चांदी के जेवरात, मोबाइल व नकदी लूटे हुए थे। वही घटना के बाद वो ग्वालियर में आकर छुप गए थे। पुलिस टीम के द्वारा रौन में बदमाशों के संबंध में जानकारी देने पर ज्ञात हुआ कि पकड़े गए बदमाशों के द्वारा रौन में डकैती डालकर लगभग 3 लाख रुपए का सामान लूट लिया गया था, जिस पर रौन पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करते हुए अज्ञात आरोपियों की खोजबीन कर रही थी। वहीं सूचना मिलने के बाद थाना रौन की पुलिस द्वारा ग्वालियर आकर ग्वालियर पुलिस की टीम के साथ पकड़े गए बदमाशों के स्थानीय निवास पर विवेक नगर में पहुंचकर तलाशी ली, जहां से 23 सोने की अंगूठी लगभग 3 लाख रुपए की बरामद की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।